जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार एसटीडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हूँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हिंदी का मॉडल पेपर दोस्तों टेस्ट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जो दोस्तों पिछली साल परीक्षाओं में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी में दोस्तों क्या है, 20 में 20 लाना है, बहुत ही जरूरी दोस्तों, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि हिंदी ही हमारा क्या करती है दोस्तों, स्कोर बढ़ाती है। तो यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, कॉन्स्टेबल के लिए हमारा टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने टेस्ट की ओर। और आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 संकटपूर्ण कठिन काम करना, ऑप्शन नंबर 2 मेहनत करना, ऑप्शन नंबर 3 सरल कार्य करना, ऑप्शन नंबर 3 सीधी रेखा पर चलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तलवार की धार पर चलना ये तो नहीं होगा कि दोस्तों तलवार पर चलना ये तो नहीं होगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, संकटपूर्ण या कठिन काम करना, कि दोस्तों संकटपूर्ण कठिन काम करना, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो भी ऑप्शन नंबर 1 आंसर कमेंट में कर रहे हैं वह बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, नक्षत्र, पहला क्या है नक्षत्र, या दोस्तों नक्षत्र, नक्षत्र, या दोस्तों नक्षत्र। तो इसका शुद्ध वर्तनी, शुद्ध रूप बताना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसके शुद्ध रूप की बात करते हैं तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, नक्षत्र। तो नक्षत्र माने दोस्तों होता क्या है, ग्रह होता है। इतनी बात क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसका परिमाण ना जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, या दोस्तों परिणाम, या दोस्तों परिणाम, परिमाण, या दोस्तों अपरिहार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका परिमाण तो परिमाण ना जाना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें दोस्तों क्या है, कोई त्रुटि है। दोस्तों त्रुटिपूर्ण वाक्य में बताना है इसमें, तो हमारा वाक्य क्या है, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। तो इसमें दोस्तों त्रुटि कहां पे, इस वाक्य में जो ये हमारा वाक्य दे रखा है इसमें त्रुटि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 अन्यथा, ऑप्शन नंबर 2 ठीक नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 3 लगाम दो, ऑप्शन नंबर 3 अपनी जीव को। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं त्रुटि, तो त्रुटिपूर्ण वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, अन्यथा ठीक नहीं होगी, नहीं होगी नहीं की जगह पे क्या होना चाहिए था, होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए था, होगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा ये होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगी, तो ये हमारा त्रुटिपूर्ण वाक्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में क्या है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों रेखांकित हमारा क्या है, या इस वाक्य में रेखांकित की अगर बात करते हैं तो शरण में आए, यहाँ पे क्या, शरण में आए व्यक्ति, तो व्यक्ति ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा रेखांकित शब्द है, रेखांकित खंड है, तो इसमें बताना है दोस्तों उपयुक्त विकल्प का चयन करें, जो दोस्तों सही विकल्प है उसका चयन करें, तो इसके लिए एक शब्द बताना है। देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, शरणागत, या दोस्तों शरण प्रिय, आरक्षित, या दोस्तों शरण मुक्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, तो इसका दोस्तों शरण में आए व्यक्ति के लिए क्या होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, शरणागत, गत माने दोस्तों क्या होता है, आना, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या दोस्तों प्रशंसक, यहाँ पे क्या है, प्रशंसक का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 समीक्षक, या दोस्तों अंधकार, या कटु, या दोस्तों निंदक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशंसक का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, लेकिन दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा, निंदा, निंदा का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, किसी की कुबड़ाई करना, तो उसका क्या हो जाएगा, निंदक, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त दोस्तों उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों इसमें अगर हम रेखांकित इस वाक्य में अगर हम रेखांकित खंड की बात करते हैं तो हमारा रेखांकित खंड क्या हो जाएगा, तकलीफ होने क्या दोस्तों, तकलीफ देने वाली, तो ये हमारा रेखांकित हो जाएगा। तो तकलीफ देने वाली के लिए हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए कष्ट भावी या कष्ट साध्य या दोस्तों आकृष्ट या दोस्तों हो जाए कष्टदायी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दोस्तों तकलीफ देते हैं तकलीफ देने वाले होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कष्टदायी कहते हैं। जो कष्टदायी होते हैं, जो कष्ट देने वाले होते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कष्टदायी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आठ। तो क्वेश्चन नंबर आठ हमारा क्या कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कोई त्रुटि है, तो दोस्तों यहाँ पे भाग हमारा कौन सा है, यहाँ पे देखते हैं। ये दोस्तों हमारा वाक्य दे रखा प्राचीन काल, यहाँ पे क्या है, प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या आता नहीं, कोई त्रुटि किस वाक्य में दोस्तों कहाँ पर त्रुटि है वह आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं प्राचीन काल में दोस्तों होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता है, दोस्तों यहाँ पे हमारी त्रुटि क्या हो जाएगी, त्रुटि की अगर बात करते समूह तौर में नहीं, समूह तौर पर मनाया जाता है, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, समूह तौर पर नहीं, यहाँ पे दोस्तों में है लेकिन दोस्तों में नहीं होगा, तो यही हमारी त्रुटि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समूह तौर पर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नौ। तो क्वेश्चन नंबर नौ हमारा क्या कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऐसा कौन सा वाक्य है दोस्तों, इस वाक्य में ऐसा कौन सा पार्ट हमारा है जिसमें दोस्तों कोई त्रुटि है, तो त्रुटिपूर्ण वाक्य यहाँ पे हमें बताना है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ना छोड़ दी या दोस्तों बच्चों ने अभाव में या दोस्तों साधनों के, दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारी त्रुटिपूर्ण क्या हो जाएगी, त्रुटि वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्या बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी नहीं होता है, छोड़ दिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारी क्या त्रुटि, दिया होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों अब चलेंगे 10 से 14, दोस्तों ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में, ये दोस्तों ये हमारा पैराग्राफ है, ये तो क्लियर है दोस्तों, आना ही आना है दोस्तों। 5 क्वेश्चन आते हैं इस बार दोस्तों, क्वेश्चन कम कर दिए गए क्योंकि 20-20 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन हर हाल में इसी से बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दें, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। दोस्तों पहले हमारा क्या पूरा पाठ दिया होगा, ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ दिया, उसमें दोस्तों नीचे हमारे क्वेश्चन दिए होंगे 5, और दोस्तों इसी पैराग्राफ से हमें जो रिक्त स्थान दिए हैं उनमें भरना क्या है यह बताना है। तो देखते हैं दोस्तों, हम अपने पैराग्राफ पर चलते हैं, तो पैराग्राफ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की, दोस्तों साध्वी की यहाँ पे क्या है, साध्वी की दोस्तों यहाँ पे क्या है, साध्वी की, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, साध्वी की, तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे डेस है तो यहाँ पे हमें भरना होगा कि, तो दोस्तों साध्वी की के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया प्रातः काल उसके आश्रम से क्या दोस्तों, निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डेस कर देती थी, कितने दिनों में रेल पेल वा दोस्तों भागम भाग से देश वातावरण में आने की बात सोच रहा था, इस युग में भविष्य के प्रति देश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की दोस्तों बलवती देश किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। दोस्तों इसमें भरना क्या है, अब दोस्तों फिर से हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी का क्या दोस्तों, साध्वी का तो यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, साध्वी का तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, दिन यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दिन
चर्या दिनचर्या मालूम पड़ गया। दोस्तों दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया, इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद में दोस्तों इसके क्वेश्चन कैसे वह देख लेते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे दसवां है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द। दोस्तों दिन यहाँ पे क्या परिचर्चा के बारे में, या दोस्तों दिनचर्या के बारे में, परिक्रमा के बारे में, या परिचर्या के बारे में। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा दिनचर्या के बारे में। दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों का साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम से नियंत्रण आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी, स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को, दोस्तों आत्मा को। अब दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों सोई हुई आत्मा को क्या करेंगी, जागृत करेंगी या उदास, वह दोस्तों विचलित या चंचल। दोस्तों क्या करेंगी, जागृत करेंगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों जागृत, जागृत कर देती थी। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों में, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कितने दिनों में, कितने दिनों में रेल पेल व भागम भाग से, भागम भाग से दोस्तों, भागम भाग से रेल पेल और भागम भाग ऐसा वातावरण, तो दोस्तों क्या भागम भाग से शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। दोस्तों यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, शांत, शांत हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे शांत, ठीक है दोस्तों, आने की बात सोच रहा था इस युग में भविष्य के प्रति देश। दोस्तों भविष्य के प्रति क्या दोस्तों क्या होगी, तो पहले हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख चुके, पहला हो चुका था दूसरा, अब देखेंगे दोस्तों तीसरे में। तो तीसरे में क्या, गद्यांश के संकेतिक स्थान तीसरे के लिए उपयुक्त क्या हो जाएगा। दोस्तों हमने बताया था दोस्तों वहां पे शांत होगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इतनी बात क्लियर, वहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब दोस्तों चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर अपने चौथे पर, गद्यांश का सांकेतिक स्थान चार के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, चौथा हमारा गद्यांश किस प्रकार का था, तो दोस्तों वहां पे क्या है, वातावरण में क्या दोस्तों सोच रहा था इस युग में भविष्य के प्रति देश, हमें जल्दी निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों क्या, जल्दी, जल्दी क्या है, भविष्य के प्रति जल्दी क्या दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, आशंका तो होगा नहीं ना, तो निश्चिंत या दोस्तों आशा, यहाँ पे हताशा होगा। तो दोस्तों हताशा, हताशा हमें जल्दी निर्णय लेने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें नंबर पर, तो गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान पांच के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों उपयुक्त शब्द पांचवा हमारा क्या है, तो दोस्तों हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर, भीड़ से दूर निकलने की दोस्तों बलवती देश इसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं नहीं उठती, दोस्तों क्या नहीं उठती इसका संकेतिक, दोस्तों तो क्या आ जाएगा, इच्छा, इच्छा नहीं उठती है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे पांचों रिक्त स्थान भर गए हैं, तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान लगाना है, सिर्फ थोड़ा ध्यान, पांच क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, ये दोस्तों गलत नहीं होने चाहिए किसी की भी। अब आगे चलेंगे, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं, तो आयुष्मान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब क्या हो जाता है, आयुष्मान आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। दोस्तों यहाँ पे चिरायु, चिरायु का मतलब क्या हो जाएगा, लंबी आयु के लिए, ये दोस्तों हमारा बोला जाता है आयुष्मान, तो इसका दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चिरायु। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही देश हो गए हैं। दोस्तों ईश्वर देश हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईश्वर या ईश्वर ही साकार हो गए हैं, साकार का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या, साकार हो गए हैं, मूर्ति में समा गए हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान, यहाँ पे क्या, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे क्या है, बात करते हैं तो हमारा दोस्तों वाक्य क्या है, वर्तमान देश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व
कम नहीं होता। दोस्तों वर्तमान में क्या दोस्तों, यहाँ पे वर्तमान संदर्भ में दोस्तों वर्तमान अगर यहाँ पे आएगा हमारा क्या संदर्भ, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में क्या होता है, उत्सुक, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दोस्तों उत्सुक का क्या हो जाएगा, हौसला, आतुर, क्या दोस्तों जलाशा या मेहनती। दोस्तों उत्सुक की अगर बात करते हैं तो उत्सुक का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया, तो उत्सुक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आतुर, आतुर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये दोस्तों पूरा वाक्य रहा और इसमें दोस्तों रेखांकित खंड हमारा कौन सा है भाई, हम बताएंगे अहंकार से भरा, अहंकार से भरा व्यक्ति, व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे ये हमारा रेखांकित खंड है दोस्तों, इसमें बताना है, इसमें दोस्तों चयन करना है क्या दोस्तों, उपयुक्त विकल्प कौन सा चयन करेंगे दोस्तों इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, मादाद, या दोस्तों मदपाई, मदमुक्त, मद, क्या दोस्तों मदालस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंद, मदादस हो जाएगा, मदादस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मदादस, मदांध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अहंकार से जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके लिए यह शब्द उपयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे क्या, मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डैश स्वीकृति प्राप्त कर ली है, तो दोस्तों यहाँ पे डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, अधिकारियों से दोस्तों क्या स्वीकृति प्राप्त कर ली है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या, अधिकारियों से वांछित, यहाँ पे वांछित निहित नहीं होगा ना, तो दोस्तों अस्पष्ट होगा या वास्तव में, दोस्तों यहाँ पे वांछित शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वांछित, दोस्तों वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, किससे, अधिकारियों से। अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाथ, दोस्तों हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं हाथों को गर्म करना, या दोस्तों पछताना, बेकार का काम करना, मालिश करना, दोस्तों यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथ मलते रह जाना पछताना। दोस्तों एसएससी ईडी का बहुत ही अच्छा चांस है, अगर अभी तैयारी कर ली तो दोस्तों चांस है आपके पास, अगर दोस्तों ऐसे ही अगर हाथ मलते रह गए तो दोस्तों ये चांस भी आप खो देंगे, तो अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पछताना, दोस्तों हमें पछताना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, दोस्तों अन्यवृष्टि, अनावृष्टि, प्रतिवृष्टि, दोस्तों वृष्टि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करते हैं अतिवृष्टि का, दोस्तों अति माने क्या होता है, अति, अति या दोस्तों अना, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, अनावृष्टि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो व्यापारी हो जाएगा या मितव्ययी, या दोस्तों खर्चीला या अपव्ययी। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब उसमें क्या होता है, बेफजूल, फालतू, तो उसे क्या कहेंगे, अपव्ययी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों सही बर्तनी वाले शब्द की बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा हमारा शुद्ध है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर शुद्ध बर्तनी की बात करते हैं दोस्तों इष्टि, ये हमारा त्रुटिपूर्ण है, दोस्तों दृष्टि, ये भी दृष्टि, ये भी दोस्तों इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, लेकिन दोस्तों जो दृष्टि है ये हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों कलाकार में जन्मजात डैश होती है, जन्मदास डैश क्या होती है, तो दोस्तों जन्मदास क्या, दोस्तों जन्म जात, जात डैश क्या होती है, तो दोस्तों ये बताना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रतिभा, उनमें दोस्तों कलाकारों में जन्मजात से ही प्रतिभा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 25 में किसके कितने सही हुए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों अच्छी से सभी लोग तैयारी करें, इस बार एसएससी जीडी दोस्तों क्वालिफाई करना है तो करना है। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।